बदकिस्मती ये कि फिरका वाराना सोच ने ऐसी तकसीम कर दी है, हुसैन को शियों का बना दिया कि हुसैन शियों का है। ऐसा सोचकर हम अपने आप को ईमान से महरूम कर देंगे। हुसैन किसी एक तबके का नहीं, हुसैन मुस्तफा का है, हुसैन इस्लाम का है, हुसैन दीन मुस्तफा का है, हुसैन दीन का पैकर है, हुसैन सुन्नत मुस्तफा का पैकर है, हुसैन शरीयत मुस्तफा का पैकर है, हुसैन खैरत मुस्तफा का पैकर है, हुसैन आका अलैहिस्सलाम के दीन की आबरू है, हुजूर के कुरान और हुजूर की सुन्नत की इज्जत और हुर्मत है। हुसैन किसी मकतबे फिक्र का नहीं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हुसैन हर एक का है। इस फिरका वाराना सोच ने हमें बड़ी नेमतों से महरूम कर दिया। तौहीद फुला की है, रिसालत फुला की है, सहाबा फुला के हैं, अहले बैत फुला के हैं, औलिया फुला के हैं, हुसैन फुला का है, ये फुला फुला, इस बला ने हमें बर्बाद कर दिया है। ये जो सोच है, इस सोच से हमें निकलना होगा। आका अलैहिस्सलाम ने तफर्रुक की सोच नहीं दी थी, फरमाया था बनी इसराइल 72 टुकड़ों में बट गए थे, मेरी उम्मत में 73 टुकड़े होंगे, मगर जन्नत पर और हिदायत की राह पर वो ही होगा सवाद आजम, वो तकसीम नहीं करेगा।